जीते रहो मेरे लाल। बाबू जी सुनिएगा, सुनिए कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छिपी रहे। हमारे भैया आदरणीय फौजी जी, फौजी भैया सुनिएगा, आप तो देश के लिए ही हैं और इस गीत को आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और क्या, क्योंकि एक सिपाही एक फौजी क्या चाहता है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी ऐसे घर में जन्मी जहाँ पिताजी हमारे आर्मी में रहे, तो आप जैसे लोगों पर फक्र होता है इसलिए कहीं ना कहीं वो खून उबाल मारता है। तो बस इतना ही कहूँगी, फौजी और देश के बीच चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में लाख सितम लिख दे, ऐ भारत माता मेरी जिंदगी में लाख सितम लिख दे, ले ले हमारी खुशियाँ हमारे लिए गम लिख दे, और दे दे वतन पर मिटने का बस एक ही मौका, दे दे वतन पर मिटने का बस एक ही मौका, और लहू के कतरे कतरे पर बस वंदे मातरम लिख दे। लेकिन आज का दौर ऐसा है, कुछ लोग भारत की ऐसी कठिन जटिल समस्याओं में भी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, भारत में ही रहकर भारत का ही खाकर भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, भारत के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, यहाँ के राज वहाँ पहुँचा देते हैं, और जिससे वो पापी पाकिस्तान इस तरह के हमले कर देता है। तो मैं कह रही हूँ ऐसे गद्दारों के लिए जो भारत में रहकर भारत का नमक खराब कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ जिनको हो तकलीफ जरा भी बन जीने में, इनको भारतीय कहलाने में जरा तकलीफ हो रही है, तो ऐसे लोगों के लिए कह रही हूँ कि जिनको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में, तो एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। कह रही हूँ कि सैनिक व्यभिचारी लगते हो जिनकी सोच विषैली में, के सैनिक व्यभिचारी लगते हो जिनकी सोच विषैली में, द्रोहिणी नाग पले हो जिनकी दोनों थैली में, देशद्रोही नाग जिनके आस्तीनों में पल रहे हो उस फन को कुचल देना चाहिए, और भारत को टुकड़े करने की, हमारे भारत देश को टुकड़े करने की।